हर हर महादेव। देखिए एक प्रश्न आया बहुत सुंदर, सर्वोपयोगी और बहुत ही समझने योग्य है। उत्तर प्रदेश झांसी से शौर्य सिंह चौहान क्षत्रिय हैं, उनका प्रश्न है कि आचार्य जी प्रणाम, क्या उपासना से या किसी अन्य उपाय से भाग्य को बदला जा सकता है या नहीं? भाग्य बदला जा सकता है या नहीं, ये प्रश्न। तो प्रश्न तो आपके समझ में आ गया होगा, अब विचार ये करना है कि भाग्य क्या होता है, यहां से आप समझ सकते हैं। तो भाग्य कोई और नहीं, भाग्य हमारे संचित कर्म जो होते हैं, जो अब फलोन्मुख हो गए हैं, उन्हीं का नाम भाग्य होता है। कर्म क्या हो, कर्म की बहुत लंबी व्याख्या है, ठीक है ना। तो हमारे द्वारा जो सत्कर्म या असत्कर्म या विकर्म, कर्मा कर्म विकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, तो ये जो कर्म अकर्म विकर्म हमारे द्वारा जन्म जन्मांतर में जो भी कर्म अकर्म विकर्म शरीर से मन से वचन से कायिक वाचिक और मानसिक रूप में जो भी हो रहे हैं, उन सब का फल हमें मिलता है, चाहे मन से हो चाहे शरीर से हो या वचन वाणी के द्वारा हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जब भी हमारे द्वारा जो भी कर्म होता है और हो ही रहा है। यूं देखिए इसका एक सरल उदाहरण एक हमारे दिमाग में आ रहा है, जैसे कोई आपने वीडियो बनाना चालू कर दिया, अब वहां आदमी कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है बैठा है, तब भी वो वीडियो तो बन ही रही है ना, और हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ क्या वीडियो बना रहे, अरे वो बैठा है तो उसका आ जाएगा, कुछ गाएगा करेगा बोलेगा तो वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरीके से हमारा सब कुछ जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब भगवान की व्यवस्था है, वे सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सत्कर्म असत्कर्म, कर्म अकर्म और विकर्म, जो जिस वर्ण आश्रम के लिए जो शास्त्र ने जो विधान किया है, वो कर्म जो करता है तो वो सत्कर्म कहा जाता है अथवा वो कर्म कहा जाता है, और उसके विपरीत करता है तो वो दुष्कर्म कहलाता है अथवा वो जो है अकर्म कहलाता है। और विकर्म क्या है, जो कुछ न करना, जैसे कहा गया है कि सुबह खड़े होकर के स्नान करिए, जप करिए, बलि वैष्णोदेव संध्या अग्निहोत्र करिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब हम बैठे ना, हमने स्नान किया ना जो है तर्पण होम इत्यादि किया, और ना हमने किसी को जो है गाली इत्यादि दी। सामान्य आदमी कहता है भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बैठे हैं और हमने कोई पाप थोड़ी किया है। अरे भाई आप प्रतिक्षण पाप कर रहे हैं, विहित का त्याग, इसको ही अकर्म कहते हैं, इसको विकर्म कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जिसके लिए जो कहा गया है कि इसको आप करिए, वो नहीं करता है तो विहित त्याग ही विकर्म कहलाता है। तो ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, स्त्रियों के लिए कितने कितने विधान किए गए कि ये आपको करना है, इस समय ये करना, वो हम कहाँ कर पा रहे हैं, तो उसका न करके वो विकर्म कर रहे हैं, इनका भी फल मिलता है। जैसे किसी को ड्यूटी लगा दी गई कि आपको इस चौराहे पर जो है ये पुलिस वाले की ड्यूटी है, ये सब यातायात करवाना है, और वो जा करके कहीं बैठ गया या आज ड्यूटी पे ही नहीं गया, तो वो उसने अपराध किया या नहीं किया ना कुछ करते हुए भी। तो इसी प्रकार हम लोग भी, ये भी जो एक अपराध है जो करते, इसका फल मिलता है। कहने का तात्पर्य कि कई तरीके के कर्म हैं, तो ये कुछ कर्म ऐसे हैं जो जन्म जन्मांतरों की गठरी बंद करके रखा हुआ है, कई जन्मों के कर्म हैं जो एकत्रित हैं, जिनको कहा जाता है संचित कर्म। और एक कर्म ऐसे कि जो हम अब तत्काल रूप में कर रहे हैं, उठना बैठना जागना आना जाना पाठ करना पूजा करना जो भी कुछ कर रहे हैं वर्तमान में, इसको कहते क्रियमान कर्म, जो अभी किए जा रहे हैं। और एक होते हैं फलोन्मुख प्रारब्ध, या उनका नाम ही भाग्य है,
उनको भाग्य कहते हैं। यानी कि जो कर्म ऐसे कि जिनका अब फल भोगने का समय आ गया, तो भगवत कृपा से वो जो हमारे द्वारा अदृष्ट उत्पन्न हुआ था या जो भी कर्म कहे संचित कर्म है, आज वो भगवत कृपा से फल देने के जो है सामने है, फल दे रहे हैं, फल देना उन्होंने शुरू कर दिया है। वहां से भगवान ने उनको नियुक्त कर दिया कि इन कर्मों को आपको भोगना पड़ेगा, उसे भाग्य कहते हैं। तो ये बदला जा सकता है या नहीं, देखिए शास्त्रों में दो तरीके के वचन है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये गरुड़ पुराण इत्यादि का ये श्लोक है। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ते हैं क्या, कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी देही के द्वारा शुभ या अशुभ कर्म किए जाते हैं वो अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। अच्छा, और गीता में भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, हे अर्जुन अगर प्रबल ज्ञान की अग्नि जब उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञानाग्नि में वो जो कर्म है वो सब दग्ध हो जाते हैं। तो भाई ये तो विपरीत से वचन लग रहे हैं, एक कह रहे हैं कि अवश्य ही भोगने पड़ते हैं, और परंतु भगवान कह रहे हैं कि वैसे तो भले भोगे परंतु ज्ञान हो जाए तो वो जल जाते हैं। तो अब देखिए इसका तात्पर्य क्या है। तो ज्ञान अग्नि में भी सभी कर्म नहीं जलते, ध्यान देना, ज्ञान अग्नि में भी सभी कर्म नहीं जलते। अगर सभी कर्म जल जाते तो वो व्यक्ति जो कर रहा है, कई ज्ञानी महापुरुषों को देखा गया है कि वे जो है वृद्धावस्था में जर्जर शरीर होने के कारण दुख भोगते देखे गए हैं, है ना, बहुत लंबी आयु या जो है बीमार, सुखी दुखी, कई तरीके से देखे जाते हैं, परंतु उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं, ज्ञानी है वे। यूं कहा जाए आपके शब्दों में कि यदि ज्ञान सभी कर्मों को जला ही देता तो ज्ञान होने के बाद आदमी को तुरंत मर जाना चाहिए, ज्ञान हो गया अब तो कर्म सब जल गए। तो ये शरीर भोगना, जन्म इत्यादि, ये जो हमारी इस शरीर में स्थिति है यहां इस लोक में, तो ये भी किसी कर्म का ही फल है। तो अब ज्ञान कर्म तो सब जल गए तो तुरंत मर जाना चाहिए, परंतु ज्ञान होने के बाद वो मरता नहीं है, ये कारण क्या है। देखिए कर्मों की कई तरीके की व्याख्या है, लगभग 81 प्रकार के कर्म हैं, और भी होते हैं ज्यादा, इनकी व्याख्या हमने एक जगह की है कथाओं में, हमारी जो है एक वीडियो डली भी है, किसी को देखना हो तो वहाँ देख सकते हैं, कभी समय होगा तो यहाँ भी बतलाएंगे आप लोगों को। पर हम तीन कर्मों की जो चर्चा मुख्य रूप से कर रहे हैं कि प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। प्रारब्ध का ही नाम भाग्य है, ध्यान देना। तो ज्ञान की अग्नि में कौन से जल जाते हैं कर्म, उपासना से, उपासना से, भगवत भक्ति से, और ये जो है और भी जितने साधन बताए गए हैं उनसे निष्कर्म हो जाता, कर्मों का नाश हो जाता है। तो किससे, कौन कौन से कर्म, एक तो संचित कर्म जल जाते हैं, जो कर्मों की जन्म जन्मांतर की जो है गठरी बंधी रखी है, कब के कर्म है, थोड़ा सी झलक देखिए कब से बंधे हुए हैं, कि भगवान कब से है कोई पता है, भगवान अनादि है और अनंत है, कोई पता नहीं कब से है। इसी प्रकार जिस दिन से, जब से, माने कोई पता नहीं कब से भगवान है, उसी दिन से हम जो है जीव की सत्ता भी उसी दिन से है। पर भगवान अनादि है और अनंत है, जीव भी अनाद है, अनादि है, पर शांत है, उसका अंत हो सकता है जब मोक्ष हो जाए। तो यूं समझिए जब से भगवान है तभी से हम जो है अलग हैं, और कितने कर्म जन्मों के हम भरे पड़े हैं, वो कर्मों की जो है बहुत बड़ी गठरी, बहुत बड़ा जो है बोझ है, ईंधन है, वो सबको जो है ज्ञान की अग्नि में जलाया जा सकता है, उपासना की अग्नि में, भक्ति की अग्नि में जलाया जा सकता है। तो जल जाते हैं वो ज्ञान में, वो जो है संचित कर्म जल गए। और दूसरी बात, क्रियमाण कर्मों का जब फल नहीं चाहिए किसी को, वो निष्कर्म भाव से कर्म करता है, क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति न जातो तिष्ठेत अकर्मकृत, बिना कर्म किए हुए भी एक क्षण भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि उठना बैठना जागना आना जाना कुछ ना कुछ तो करेगा, कोई काम कुछ नहीं कर रहे हम तो बैठे, तो बैठना भी तो एक क्रिया है, बैठना, सोना, तो ये भी जो है इसका भी फल मिलता, क्यों बैठे हो भाई जब करो, या जो है कई चीज है, तो इसके भी हर चीज का जो है फल तो मिलना ही है।
परंतु अब वो जो सब कर्म निष्कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं और या जो है किसी भी कर्म का सत असत का जो फल नहीं चाहिए तो या ज्ञान भक्ति प्रबल हो जाती है, तो वो जो क्रियमाण कर्म है जो तत्काल में जो कर्म हो रहे हैं जो वीडियो मैंने बताया बन रही है वो फिर उसकी जो डिलीट कर दी जाती है, वो कर्म भी जल जाते हैं उपासना से भक्ति से ज्ञान से और सत्कर्मों से। तो संचित कर्म जल गए और जो क्रियमाण कर्म है वो भी जल गए, लेकिन जो फलोन्मुख हैं जिनको प्रारब्ध कहा जाता है जो भगवान ने आपके संचित कर्मों में से जो अब कर्म फल देने के उन्मुख थे उनको कह दिया गया आपके जीवन में जो है लिख दिया गया कि ये कर्म के फल स्वरूप आपको ऐसा ऐसा होगा, तो बस वो फिर होगा, वो तो जब तक आयु है जितना भी भोग है वो सब भोगना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानी महापुरुष या परम भक्त जिनके भक्ति में जिनके ज्ञान में कोई भी कमी नहीं है, ऐसे ऐसे भी भक्त महापुरुष हुए हैं जिनकी स्वयं ठाकुर जी ने सेवा की है, लेकिन वो कर्म तो जो है उनको जो फलोन्मुख हो चुके भाग्य हो गए उनके संचित सब जल गए हैं, उनके जो क्रियमाण कर्म का उनको फल नहीं चाहिए, लेकिन जो फलोन्मुख भाग्य है वो उनको तब तक भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान के माता पिता होकर के भी वे वसुदेव जेल में है, जो कई कथाएं भगवान के अनन्य भक्त होकर के भी वो ऐसा ऐसा जो है कुछ करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, कई कथाएं आप इसमें जो हम यहाँ कथा कहते हैं तो वीडियो बड़ी हो जाती है आप समझ लें, उसका कारण यही है कि इनकी मुक्ति में कोई भी जो है संशय नहीं है, उनके कर्म सब जल ही चुके हैं। तो आप जो है ध्यान दें सब लोग कि उपासना से और भक्ति से सत्कर्मों से भगवान को कर्म समर्पित करने से वो क्रियमाण कर्म और संचित कर्म जल जाते हैं, परंतु फलोन्मुख जो भाग्य है जो लिख गया बता दिया गया कि ये तो आपको भोगना पड़ेगा तो वो भोगना पड़ता है। यद्यपि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, विशेष जब प्रबल होती है, सामान्य नियम है विशेष कोई बात होती है तो तत्काल तुरंत भी वो जो है सब बदल जाता है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था प्रभु, प्रभु तो सब में समर्थ हैं ऐसा विश्वास रख करके और वो जो करेंगे वो सब अच्छा ही होगा। इस दृष्टि से भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, यदि भगवान के द्वारा बनाई हुई मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई जो है सत्कर्म या कोई ऐसा जो है उनका परम प्रिय भक्त बन जाता है तो वे फिर अपनी मर्यादा को एक तरफ रख करके उसका परम कल्याण कर देते हैं, उसको तुरंत भी ले लेते हैं अपने अंक में, ये तो विशेष बात है। तो इस तरीके से भगवान की उपासना सत्कर्म भक्ति सदा हर व्यक्ति को शास्त्रानुसार करते ही रहना चाहिए। हर हर महादेव।